हेलो एवरीवन, वेलकम टू curlymonil। तो इस बार आप सभी ने इको फ्रेंडली दिवाली जरूर मनाई होगी और मैं भी आप लोगों के लिए एक और इको फ्रेंडली दिवाली का आइडिया लेके आई हूँ। तो DIY सीरीज के प्लांटर्स में आज हम इको फ्रेंडली दिया एंड इको फ्रेंडली कोकोनट शेल के अंदर प्लांट्स लगाएंगे, उन्हें ही प्लांटर्स की तरह यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला DIY प्लांटर होगा कोकोनट शेल्स। सबसे पहले आपको इन्हें कनेक्ट कर लेने हैं एंड इसमें कलरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें ऐसे ही हम प्लांट्स लगा लेंगे। तो इसके अंदर हम ऐसे प्लांट लगाएंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी या पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, जो कि डेकोरेटिव प्लांट है और बहुत ब्यूटीफुल भी लगेंगे। सो लेट्स डू। सबसे पहले हम नीचे थोड़ी सी रेत यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर होल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम वाटर की ज़रूरत है इस प्लांट को। नेक्स्ट हम थोड़ी मिट्टी यूज़ करेंगे एंड देन हम प्लांट को लगा देंगे। ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल है, प्लस इसमें बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं। इसे जनरल लैंग्वेज में पत्थर चट्टा कहते हैं। इसके लीव्स से किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और बहुत सारे यूरिनरी इन्फेक्शन एंड बहुत सारी डिजीज़ को ये रिजॉल्व करता है। ये जो कोकोनट शेल प्लांटर है ये हमारा रेडी है, बट इसे हम रखने के लिए एक स्टैंड यूज़ करेंगे, वो है हमारा ओल्ड दिया जो हमने दिवाली पर यूज़ किया था। अब नेक्स्ट प्लांटर जो है वो है हमारे दिवाली के दिए। देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं, हार्ट शेप दिए हैं। तो मुझे आइडिया आया है कि हम इन्हें भी एक ब्यूटीफुल प्लांटर में कन्वर्ट करेंगे। सो हम इन्हें भी प्लांटर्स बनाएंगे। इन प्लांटर्स में भी हम होल नहीं करेंगे क्योंकि हम वाटर ही कम यूज़ करेंगे तो एक्सेस वाटर का इशू इसमें नहीं आएगा। यह जो लव प्लांट है इसमें वाटर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, सो हम अल्टरनेट डेज पे इसकी वाटरिंग करेंगे। प्लांट, मिट्टी एंड इको फ्रेंडली दिया के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल टाइनी प्लांटर रेडी है। अब आप देखिए हम इसमें कितना कितना पानी यूज़ करते हैं। तो हमें बहुत ही कम पानी यूज़ करना है क्योंकि प्लांटर छोटा है, मिट्टी भी कम है, ड्रेनेज होल भी नहीं है। सो हम स्मॉल अमाउंट में वाटर यूज़ करेंगे और ये इजीली इसमें ग्रो भी करेगा क्योंकि इसमें कम वाटर चाहिए होता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इन्हें कलर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स नहीं है क्योंकि दिया जो है वो ऑलरेडी कलर्ड हैं और कोकोनट शेल की अपनी एक अलग ब्यूटी है। नेक्स्ट जो है हम एक और प्लांटर यूज करेंगे, इसका नाम कुल्फा है और इसमें बहुत ही टाइनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। प्लस इसकी मेडिसिनल बेनिफिट ये है कि ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सो इसे भी हम इस तरह के प्लांटर्स में लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्लांटर कितना ब्यूटीफुल है और इसमें प्लांट्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये आपके घर में किसी भी कॉर्नर में डेकोरेट होने के लिए रेडी है।
ये देखिए, जिस तरह हम दिए की रो लगाते हैं वैसे ही आप प्लांटर्स की रो भी लगा सकते हैं। आप बहुत सारे दिए या बहुत सारे कोकोनट शेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिग साइज़ के दिए भी मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो खरीद सकते हैं, या फिर बिग साइज़ के जो कोकोनट शेल हम यूज़ करते हैं वो भी आप प्लांटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक रो है, आप किसी भी कॉर्नर में इसे सेट कर सकते हैं। सो आप लोगों को ये प्लांटर्स का आइडिया कैसा लगा? आपने प्रीवियस DIY प्लांटर्स भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने बहुत सारे क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्लांटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ये जो मैंने इको फ्रेंडली प्लांटर्स बनाए हैं ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप जो आपके इको फ्रेंडली प्लांटर्स बनाएंगे उसकी फ़ोटोज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेजना मत भूलना। इसी तरह के और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए आप कर्ली मोनिल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली बाय बाय, बी क्रिएटिव।